राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर बुधवार को गोरखपुर रेलवे स्टेशन एसी लॉन्च के पास रेलवे महाप्रबंधक राजीव अग्रवाल एवं सदर सांसद रवि किशन ने महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धा सुमन व्यक्त किया। इस मौके पर पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजीव अग्रवाल ने रेलवे कर्मचारियों को प्लास्टिक मुक्त अभियान की शपथ दिलाई। इस मौके पर सदर सांसद रवि किशन ने भी शपथ लिया। शपथ कार्यक्रम के बाद पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजीव अग्रवाल एवं सदर सांसद रवि किशन ने श्रमदान कार्यक्रम के तहत रेलवे परिसर में झाड़ू लगाकर स्वच्छता मिशन का संदेश दिया। इस मौके पर पूर्वोत्तर रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस अवसर पर गोरखपुर न्यूज से विशेष बातचीत करते हुए सदर सांसद रवि किशन एवं पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजीव अग्रवाल ने कहा, हो गया सर, साथ ही ¡Gracias!
मारो भैया भैया मोबाइल वाले जैसा तो खराब कर रहे हैं भैया भैया मोबाइल ठीक करिएगा ये तो फोटो मैं धन्यवाद कोटि कोटि नमन करूंगा अपने श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि ये गांधी जी की विचारधारा जो थी कि मेरा भारत स्वच्छ रहेगा तो देश स्वच्छ रहेगा और देश शक्तिशाली होगा। जब स्वच्छता रहेगी शरीर स्वच्छ रहता है, आपका आपका मानसिक आपका संतुलन स्वच्छ रहता है और आप ग्रो करते हो। तो ये स्वच्छता खाली सफाई नहीं, सफाई से जीवन का बदलाव है। ये बहुत बड़ा एक मुहिम है जिसको आज शुरू किया। तो मैं धन्यवाद दूंगा जीएम साहब को कि इन्होंने बहुत सुंदरता से, मैं बहुत सालों के बाद रेलवे स्टेशन आया हूँ बिकॉज समय नहीं मिलता था, आप लोग जैसा मेरा जीवन जानते ही हो पास्ट का, तो आज देखें कि बड़ी खुशी हुई कि गोरखपुर का ये जो विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जहां दो ट्रेनें एक साथ पार्क हो सकती हैं इतना साफ है और इतनी अवेयरनेस आज के अखबारों की हेडलाइन भी रही। मैं गोरखपुर वासियों को जो हमको अभी देख रहे हैं सबको मैं साधुवाद देता हूँ कि आप लोग हिंदुस्तान में पहला वो सिटी बने हो, पहला वो जिला बने हो जहाँ पर जवाब आंसर में स्वच्छ स्वच्छता को लेके आप लोग नंबर वन हो। तो मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि स्वच्छता के लिए कि जितनी जागरूकता गोरखपुर में है वो मुझे जान के बड़ी खुशी हुई, पूज्य महाराज जी को भी जान के बड़ी खुशी हुई। आज अखबार की हेडलाइन भी रही कि गोरखपुर इज़ नंबर वन जिसको स्वच्छता के बारे में सबसे ज़्यादा ज्ञान है और अवेयरनेस है। तो आज उसका मुहिम है, आज जैसे कि आज जयंती गांधी जी की मनाई जा रही है और सारे सांसदों को प्रधानमंत्री जी ने आदेश दिया है और ये कहा है कि आप लोग 150 किलोमीटर अपने क्षेत्र में घूमे, स्वच्छता के बारे में, मानवता के बारे में, सरकार की नीतियों के बारे में, हमारे कार्य कर्मों के बारे में, हम लोग देश को कहां ले जा रहे हैं 370 के बारे में कि क्या कश्मीर को फायदा हो रहा, कहां से उनके बच्चों को फायदा होगा, 35A के बारे में बहुत सारी जानकारियां जो सरकार की उपलब्धियां हैं जो हम लोग कर रहे हैं निरंतर। हमारे प्रधानमंत्री 20 घंटे, हमारे मुख्यमंत्री 18-20 घंटे जो काम कर रहे हैं, हम सब सांसद मिलकर काम कर रहे हैं, ये सरकार जो काम कर रही है और इस देश को एक शक्तिशाली देश बनाने की ओर अग्रसर हैं, वो सारी जानकारी देने के लिए 150 किलोमीटर की पदयात्रा आज शुरू होगी और यहाँ से हम लोग हर बूथ को, हर लेवल पे, हर अपने नागरिक को, हर जनता को, हर अपने वोटरों को जानेंगे, समझेंगे, हर पार्षदों को, बूथ लेवल के मंडल अध्यक्ष को और उनकी समस्याओं का निवारण करने की बात रूबरू अब सब सांसद करेंगे और ये मुहिम में सारे विधायक लगे हैं, पूरे कार्यकर्ता संगठन के सब लोग, पूरे देश में ये मुहिम आज से शुरू हो गई है। महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर हम लोगों ने 16 सितंबर से स्वच्छता पखवाड़ा शुरू किया। जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्देश था उसके अनुसार हम लोग सभी रेलवे स्टेशनों पर, सभी रेलवे परिसरों में ये कार्यक्रम चला रहे हैं और ये आगे भी चलता रहेगा। आज के दिन आप पाएंगे कि जो भारतीय रेलवे के 7000 स्टेशन सभी जगह ये स्वच्छता अभियान चल रहा है। इसके साथ साथ ही हम लोगों ने सिंगल प्लास्टिक यूज़ फ्री अभियान भी शुरू किया हुआ है और हम लोग स्वच्छता के बारे में और प्लास्टिक के बारे में स्टेशनों पर और जगह जगह हमारे पैसेंजर्स को, रेलवे स्टाफ को जागरूक कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं और उसी कड़ी में ये आज का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें हमारे गोरखपुर के माननीय सांसद श्री रवि किशन जी ने भी इसमें हिस्सा लिया, उसके लिए हम उनके धन्यवाद हैं।